नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुनील कौशल में। और मेरा नाम है सुनील कौशल फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से बहुत सारी जॉब्स लेके आया हूँ, तो आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। आज आप लोगों के लिए जो मैं वैकेंसीज लेके आया हूँ वो है नारायणा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, और ये इंडिया का बहुत माना हुआ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा ग्रुप है ये। और यहाँ इनकी जो ब्रांचेज हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं फ्रेंड्स, जैसे कि इनके स्कूल्स हैं, एकेडमिक्स में इनके स्कूल्स हैं, जूनियर कॉलेजेस हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ सिविल सर्विसेज, कोचिंग सेंटर्स, कॉरस्पॉन्डिंग कोर्सेज करवाते हैं ये, और इसके अलावा बहुत कुछ। तो इतने ज्यादा जो ग्रुप्स हैं, इनके स्कूल्स चल रहे हैं, जूनियर कॉलेजेस चल रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस चल रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये ग्रुप है। और ऐसे ग्रुप में अगर जॉब्स मिले तो बहुत अच्छी बात होती है, कैरियर ग्रोथ के बहुत चांसेस बन जाते हैं। ऐसे ग्रुप्स में सैलरी भी अच्छी होती है और एनवायरमेंट भी बहुत हेल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इसी ग्रुप के अंदर एक बहुत ही ज्यादा तबके में डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स की ओपनिंग हुई है, जो मैं आप लोगों को अब दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी जॉब्स की जानकारियाँ फ्रेंड्स मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, करंट जो ओपनिंग चल रही है, अभी मैंने इसको ग्रुप को, ये देखिए, मैं यहाँ से इसको अपडेट कर रहा हूँ। जैसे ही इसको अपडेट कर रहा हूँ तो वेबसाइट जो होती है पर्टिकुलर ग्रुप की, तो अपडेट करने पर उसमें जो भी लेटेस्ट बातें होती हैं, अगर कोई जॉब उन्होंने क्लोज हो चुकी है तो हट जाती है, और जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है जॉब, उसको फिर वो कंटिन्यू रखते हैं, वहीं पे रहती हैं वो जॉब्स। तो देखिए, सबसे पहली जो जॉब है यहाँ पे वो है टेलीकॉलर के लिए, और भी मैं आप लोगों को जॉब्स इसमें दिखाने वाला हूँ। पहली जो जॉब है वो टेलीकॉलर की है। इसके अलावा यहाँ पे टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है, इंटरनेशनल बैकलोरेट टीचर फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड। सैलरी है 4,75,000 से 8,50,000 के करीब, और टेलीकॉलर के लिए जो जॉब है यहाँ पे 1,25,000 से 1,75,000 सैलरी है यहाँ पे। इसके अलावा इंटरनेशनल बैकलोरेट टीचर फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड, अगेन 1,50,000 से 3 लाख तक सैलरी है, और फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा हार्डवेयर इंजीनियर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, जिनकी सैलरी 2,50,000 से 3 लाख के बीच में होगी। उसके अलावा हायरिंग टीचर्स फॉर CBSE, HSC, बोर्ड लेवल, नारायणा ग्रुप, नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पे ये जितने भी आपकी क्वालिफाइड लोग हैं उन सबके लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। कॉलेज एजुकेशन BA, MA, MSc, MSc BTech, MSc BEd, MA, MEd और डिप्लोमा, ये सारी जॉब्स एक एक करके मैं आप लोगों को फ्रेंड्स दिखाऊंगा। उसके अलावा मैनेजर परचेज एंड स्टोर्स की रिक्वायरमेंट है, सैलरी रहेगी 2 लाख से 3 लाख के बीच में। फिर सिविल मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, 2 लाख से 3 लाख रहेगी यहाँ पे सैलरी। इसके अलावा प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, उनकी सैलरी 2 लाख से 3 लाख रहेगी। फिर सिविल इंजीनियर दोबारा से, उनकी सैलरी 2.5 लाख से 3 लाख तक रहेगी। आफ्टर दैट अगली वैकेंसीज के बारे में भी देख लेते हैं। ऑफिस ऑफिसर EHS, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी, इनकी सैलरी 2.5 लाख से 2,25,000 से 3 लाख रहेगी। HR रिक्रूटर की रिक्वायरमेंट है इस ग्रुप में, 1 लाख से 2 लाख सैलरी रहेगी। और उसके अलावा प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज नारायण ग्रुप के लिए प्रिंसिपल और जूनियर प्रिंसिपल चाहिए जूनियर कॉलेज के लिए, तो इनकी भी बहुत अच्छी सैलरी रहेगी। और इसके अलावा रिक्वायरमेंट फॉर CBSE HSC बोर्ड मुंबई के लिए टीचर चाहिए इनको, इन्हीं के ग्रुप में 3.5 लाख से लगभग 4,25,000 तक सैलरी रहेगी। EHS एग्जीक्यूटिव चाहिए, और इसके अलावा AGM चाहिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज आप देख सकते हैं। HR रिक्रूटर्स इज रिक्वायर्ड, उसमें 3.5 लाख से 4.5 लाख सैलरी रहेगी। और इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ओवर हियर। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर कोचिंग सेंटर, जो इनके कोचिंग सेंटर मैंने आप लोगों को दिखाए थे। और फाइनली आप लोगों को बता दूं, प्राइमरी वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर की भी रिक्वायरमेंट है, जिनकी सैलरी रहेगी 4 लाख से 6 लाख के बीच में।
अब हम पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर के लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ, आपके सामने देखिए जॉब सामने आ गई। ये अभी प्रेजेंटली इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं प्राइमरी वाइस प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर रिक्वायर्ड, और 3 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी रहेगी 4 लाख से 6 लाख पर एनम, और ये लोकेशन है सोनीपत के लिए। और अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो यू शुड बी लाइक विल बी इट ही शी विल बी फाइनलाइज बाई दी सीईओ। ही शी विल विजिट वन ब्रांच पर डे। ही शी विल गेट द सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑन दी चेकलिस्ट एंड फॉरवर्ड द सेम टू द एजीएम। तो ये ड्यूटीज रहेंगी उनकी। ही शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द टीचिंग स्टाफ इन प्राइमरी स्कूल। तो जितने भी टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट होगी उनके हाथ में होगी। ही शी शुड होल्ड ए मीटिंग इंटरेक्शन विद द स्टाफ ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डे विजिट। ही शी विल कंडक्ट कैंपस इंटरव्यू भी वही करेंगे। ही शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग वर्कशॉप्स एट जोनल लेवल पे, जो जितनी भी वर्कशॉप्स होंगी। ही शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ ब्रांच लेवल अकेडमी। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों को फ्रेंड्स मिलेगा। सीखने के लिए यहाँ पे आप लोगों के लिए आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना बड़ा ग्रुप है तो यहाँ पे काम करने का मजा ही अलग होगा। तो रोल आपका रहेगा वाइस प्रिंसिपल का, और 4 लाख से 6 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी। और इंडस्ट्री आपको पता ही है, एजुकेशन ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है। और इसके अलावा ये फुल टाइम जॉब रहेगी, परमानेंट जॉब रहेगी। तो यहाँ पे अगर आप काम करते हो तो हो सकता है कि आप मतलब रिटायरमेंट तक यहाँ काम करते रहो। तो फ्रेंड्स ये इनका जो प्रोफाइल है, नायराना एजुकेशनल सोसाइटी फरीदाबाद की तरफ से ये जो जॉब्स आई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं इसके बाद अगली जॉब के बारे में, जो मैं आप लोगों को एक एक करके अब बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी लोकेशंस में ये जॉब्स हैं। तो ये सोनीपत के लिए थी। तो फ्रेंड्स अगली जॉब आप लोगों के लिए जो मैं लेके आया हूँ, दैट इज फॉर द टीचर्स, हायरिंग टीचर्स फॉर देयर हायरिंग टीचर्स फॉर सीबीएसई एचएससी बोर्ड लेवल नारायणा ग्रुप नॉर्थ इंडिया। तो 1 से 6 साल का, मिनिमम 1 साल का आपके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन तो दी हुई है इन्होंने, वी आर हायरिंग फॉर जूनियर टू सीनियर सेकेंडरी टीचर्स ग्रेड 1 टू प्लस 2। मतलब एक पहली क्लास से 12वीं क्लास तक इनको टीचर चाहिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, बॉटनी, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, फॉरेन लैंग्वेजेस, डांस एक्सेट्रा। तो अब ये जो हायरिंग हो रही है फॉर एचएससी, सीबीएसई एंड बोर्ड लेवल फॉर मल्टीपल सब्जेक्ट स्ट्रीम फॉर नारायणा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, इसके लिए अब बात करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। मिनिमम 1 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। आपकी एजुकेशन जो है बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक, बीएड, एमएड या डिप्लोमा, जो भी आपकी जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन है विद बीएड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। गुड वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। शुड बी एबल टू टीच एसएससी, सीबीएसई एंड बोर्ड लेवल्स एंड हायरिंग फॉर मल्टीपल लोकेशंस विद नॉर्थ इंडिया। तो ये जो आप लोगों की सिलेक्शन होंगी, ये एक पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है। इतने सारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट जो इनके पास आई हुई है, इनको गुड़गांव, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, गाजियाबाद, मोहाली, लुधियाना, जयपुर के लिए ये सारी जॉब्स की ओपनिंग हुई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इनका जो रिटर्न एग्जाम होगा, फैकल्टी इंटरेक्शन होगी, डेमो इंटरव्यू होगा, दैट विल बी डन ऑनलाइन और एट द नियरेस्ट ब्रांच ऑफ द नारायणा ग्रुप। अच्छा, रोल आप लोगों को बता दिया मैंने, टीचर प्राइवेट ट्यूटर का रहेगा। इसके अलावा ये फुल टाइम जॉब रहेगी आप लोगों के लिए। तो एजुकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है, बीएससी किसी भी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, बीए होनी चाहिए, बीटेक, बीईबी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की बीएड साथ में होनी जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप लोगों की एमटेक या एमए या एमएससी है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जो कंपनी का रोल, जैसे आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, नारायणा एजुकेशन सोसाइटी एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसमें लगभग 3,80,000 स्टूडेंट्स, उससे भी ज्यादा स्टूडेंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, इनके स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं।
और लगभग 13 स्टेट्स में, इंडिया की 13 स्टेट्स में इनके कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं। लगभग 200 तो इनके स्कूल्स ही हैं, 400 जूनियर कॉलेजेस हैं, 25 प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस ग्रुप में काम करने की। फ्रेंड्स, इसके अलावा इंटरनेशनल बैकलोरेट टीचर, आईबी टीचर रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड, और 2 से 3 साल का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी सैलरी रहेगी 4,75,000 से 8,50,000, 4,75,000 to 8,50,000 पर एनम, एंड लोकेशन विल बी हैदराबाद, सिकंदराबाद। ओके, सो जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, द आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सर्व्स एज द लीडर ऑफ द आईबीडीपी प्रोग्राम इन द सेकेंडरी डिवीजन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल ऑपरेशन ऑफ दैट प्रोग्राम। द आईबीडीपी कोऑर्डिनेटर शैल प्रोवाइड लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी स्किल्स टू द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ एज वेल एज टू प्रमोट अप्रोप्रिएट पेरेंट एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। स्कोप ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, द आईबी डिप्लोमा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डायरेक्टली सुपरवाइजेज द आईबीडीपी प्रोग्राम। रिपोर्टिंग अकाउंटेबिलिटी इज दैट द डिप्लोमा कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द सेकेंडरी प्रिंसिपल। नाउ द स्पेशल एजुकेशन टीचर इज द रोल इज द स्पेशल एजुकेशन टीचर। सैलरी विल बी 4,75,000 to 8,50,000 पर एनम, एंड द इंडस्ट्री इज यू नो दैट इज एजुकेशन इंडस्ट्री। सो दिस इज फुल टाइम परमानेंट जॉब फ्रेंड्स फॉर ऑल ऑफ यू, एंड यू नो दिस इज, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस ग्रुप में काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बाकी और जितनी भी जॉब्स हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको ये सारी की सारी जॉब मिल जाएंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो आप लोगों के लिए। आप लोग अगर इन यहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जैसे टेलीकॉलर की जॉब है ये चेन्नई के लिए है, और इंटरनेशनल जैसे आईबी टीचर की है हैदराबाद के लिए, सिकंदराबाद के लिए पोस्टिंग है इनकी। इसके अलावा एक हैदराबाद सिकंदराबाद के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए एक और है। इसके अलावा जो फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की जॉब है ये भी हैदराबाद सिकंदराबाद के लिए है। हार्डवेयर इंजीनियर चाहिए इनको बेंगलोर बेंगलुरु में। इसके अलावा जो टीचर्स मैंने आप लोगों को बताया गाजियाबाद गुरुग्राम के लिए, फिर मैनेजर चाहिए इनको चेन्नई के लिए, सिविल मेंटेनेंस इंजीनियर चाहिए इनको चेन्नई के लिए, ये जो प्रोक्योरमेंट एग्जीक्यूटिव है चेन्नई के लिए, सिविल इंजीनियर गुरुग्राम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अलावा अगली अगली जॉब्स के बारे में भी देख ही लेते हैं साथ के साथ। ये जॉब जो गोरेगांव मुंबई के लिए है, ऑफिसर ECH एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी की जॉब है। इसके अलावा HR रिक्रूटर चाहिए मुंबई के लिए, और प्रिंसिपल की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर चेन्नई एंड दिल्ली, ये भी हम देख लेते हैं जो प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स। दैट इज फॉर यू जस्ट हैव टू वेट हियर। तो फ्रेंड, जैसे प्रिंसिपल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा था, प्रिंसिपल रिक्वायर्ड फॉर जूनियर कॉलेज नारायणा ग्रुप दिल्ली। तो ये 3 से 8 साल का आप लोगों का यहाँ पे एक्सपीरियंस फ्रेंड होना चाहिए। और इसके अलावा जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, लीड द स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, मैनेज द कॉलेज बजट, वर्क विद द एकेडमिक यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द नारायणा ग्रुप। इसके अलावा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू अंडरस्टैंड बेटर। उसके बाद जो लोकेशन रहेगी आपकी, लोकेशन रहेगी दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए और तमिलनाडु के लिए, ये 3 जगहों के लिए प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी MSc फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विद BEd, ओवर 5 ईयर्स ऑफ फुल टाइम टीचिंग इन जूनियर कॉलेज आउट ऑफ विच 3 ईयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज हेड प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ए रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज हाईली प्रेफर्ड। तो आप इन्हें डायरेक्टली इस ईमेल एड्रेस पे अपना रिज्यूम भेज सकते हैं, और या फिर इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। श्याम कुमार गुंज HR रिक्रूटर हैं। तो ये थी आज की आप लोगों के लिए जॉब्स फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।